गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शारीरिक विकास में वृद्धि चक्र के बारे में पढ़ेंगे। हमने कहा था कि वृद्धि चक्र अर्थात शारीरिक विकास का विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग गति के साथ होना वृद्धि चक्र कहलाता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है और बाल्यावस्था के आते आते वह विकास की गति काफ़ी धीमी हो जाती है, जो कि किशोरावस्था को प्राप्त करते करते का वापस तीव्र होती है और किशोरावस्था के पूर्ण होने होते होते यानी कि वयस्क अवस्था के प्रारंभ होने तक वह गति वापस धीमी हो जाती है। यानी कि हमारा जो शारीरिक विकास है, वृद्धि है, शरीर की वृद्धि और विकास जो है वो एक साइकिल के रूप में चलता है। कभी तीव्र तो कभी धीमा, धीमा फिर वापस तीव्र होता है, फिर धीमा होता है। इसी साइकिल को वृद्धि चक्र का नाम दिया गया है। और अगर हम बात करें कि जो वृद्धि चक्र है उसका हमारे शारीरिक विकास पर या शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें फोर्स आता है कि पहली अवस्था यानी कि बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक जो की जो स्टेज होती है उसे हम कह सकते हैं। इस अवस्था में जो गति होती है शरीर की वो काफ़ी तीव्र गति से होती है। हम भी देख सकते हैं इसे प्रत्यक्ष रूप से कि जब भ्रूणावस्था होती है उस अवस्था से लेकर जन्म होने के 9 मंथ कंप्लीट होने तक उस भ्रूण का आकार जो फर्स्ट प्रिंट ड्रॉप के समान होता है वह एक पूर्ण शिशु के रूप में जन्म लेता है। और जो शिशु पूर्ण शिशु या के रूप में जब जन्म ले रहा है उस समय पूर्ण रूप से डिपेंडिंग होता है, वह कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। वह शिशु लगभग 20 साल की अवस्था प्राप्त करते करते एक पूर्ण वयस्क मानव के रूप में हमारे सामने होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो बालक होता है वह उसकी शारीरिक जो वृद्धि होती है वो काफ़ी तीव्र गति से होती है, क्योंकि जन्म के समय बालक जो होता है वो बिल्कुल डिपेंडिंग होता है, हमने कहा है। वही दो वर्ष की अवस्था तक बालक चलना, फिरना, दौड़ना, भागना और अपने छोटे छोटे कार्यों को करना भी प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार शरीर के आंतरिक अंगों का जो अपव्यय पहले बढ़ जाता है जिससे बालक की शक्ति का अधिक अपव्यय होने लगता है। यानी कि जब शारीरिक वृद्धि जो तीव्र होती है तो जो ऊर्जा का व्यय है यानी एनर्जी कंजप्शन जो है वो भी हमारी बॉडी में काफ़ी बढ़ जाता है और उसके परिणाम स्वरूप बालक के जो बाह्य अंगों की क्रियाशीलता है वह कम हो जाती है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट तीव्र गति से जब होता है तो बाह्य जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो क्रियाशीलता एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे बालक को काफ़ी थकान का अनुभव होने लगता है और बालक ऐसी स्थिति में वहाँ पर अधिक उसको आराम की आवश्यकता महसूस करने लगता है, नींद आती है, जिसके कारण बालक को भरपूर पोषण की आवश्यकता होती है और उसका जब उसे वो पोषण नहीं मिल पाता है तो वह चिड़चिड़ा और क्रोधी होने लगता है। इसमें नकारात्मक संवेगों का नकारात्मक संवेग जो है वो ज़्यादा उत्पन्न होने लगते हैं। इसी में हम कहेंगे कि जो सेकेंड स्टेज होती है शारीरिक विकास की, जो कि हम 2 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है, इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति जो है वो धीमी हो जाती है। अब हमारा जो शारीरिक वृद्धि और विकास है उसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं, वह इतना तीव्र गति से नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी मूढ़ी स्वभाव के हो जाते हैं, उन्हें अपने खाने पीने की चिंता भी नहीं रहती है, वह ज़्यादातर अपने मित्रों के साथ खेलना कूदना इनमें ही ज़्यादा अधिक समय व्यतीत करने लगते हैं। वृद्धि की गति जो होती है वो मंद होने पर कार्यक्षमता अधिक प्रभावित नहीं होती है, कि हमारी जो वृद्धि है वो धीमी गति से हो रही है तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है या क्रिएटिविटीज़ हैं वो कम हो जाएगी, नहीं, कार्यक्षमता पर कोई ज़्यादा अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। वृद्धि की गति जब इस अवस्था में जब बालक अधिक जो होता है वो काफ़ी खुश और प्रसन्न रहता है, क्योंकि बाह्य रूप से उसमें
बहुत ज़्यादा तीव्र वृद्धि नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो जो वृद्धि की क्रियाएँ हैं या जो गति है वो मंद होने के कारण वो उसके उनके साथ काफ़ी अच्छा समायोजन कर लेता है उसकी बॉडी, और उसके कारण वह बहुत खुश और प्रसन्न रहता है। यदि उसका समायोजन अच्छे से नहीं हो पाता है तब जाकर वो चिड़चिड़ा और उदास और निराश रहने लगता है, और अक्सर ऐसी स्थिति तीव्रता की स्थिति में होती है जब उसकी बॉडी में तीव्र गति से वृद्धि होती है। मंद गति में बालक का जो शरीर है वह काफ़ी अच्छा समायोजन कर लेता है, और बालक भी वातावरण परिस्थितियों के साथ अच्छे से समायोजित हो जाता है, जिसके कारण वह काफ़ी खुश और प्रसन्न रहता है। थर्ड स्टेज की हम बात करें यानी इसके पश्चात, तो वह तरुणा अवस्था जो कहते हैं उस अवस्था की होती है थर्ड स्टेज। और इस स्टेज में जो शरीर का आकार है वो काफ़ी तीव्रता से बढ़ता है, शरीर का आकार काफ़ी बढ़ने लगता है, शरीर की आकृति जो होती है बच्चों की वो अब बालक की न रहकर एक वयस्क की तरह दिखाई देने लगते हैं। बालक की स्थिति जो होती है वह बिल्कुल डिफरेंट होने लगती है कि बालक के ऊपर घर स्कूल बालक के जो अपने कार्य होते हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती है, चाहे वो घर हो चाहे स्कूल हो, उसको बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है, बहुत अधिक उसके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, जिसके कारण जो है बालक को इस अवस्था में अधिकांशतः उसका जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। बालक जल्दी थकान में अनुभव करने लगता है, उसे आराम की आवश्यकता महसूस होने लगती है, लेकिन उसकी जो उसके प्रति जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इस अवस्था के बालकों को न छोटा बच्चा कहा जाता है और न ही वयस्क कहा जाता है, जिसके कारण उन पर घर में भी काम का लोड बढ़ जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, और स्कूल में भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं, पढ़ाई का होमवर्क का क्लासेस का वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है उनके ऊपर, जिसके कारण वह ज़्यादा आराम नहीं कर पाते हैं और उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप यह होता है कि बालक जो चिड़चिड़ा मूडी गुस्सैल और नेगेटिव थिंकिंग वाला बन जाता है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, अब वह बालक ज़्यादा लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है, बातचीत नहीं करता है और अकेला रहना पसंद करता है। थर्ड नेक्स्ट हमने कहा है पोषणीय आवश्यकता यानी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, तो शारीरिक वृद्धि में और विकास में हम कह सकते हैं कि जो उत्तम शारीरिक वृद्धि है और स्वस्थ शरीर जो है उसके लिए पौष्टिक और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में जो शारीरिक वृद्धि होती है वो बहुत इफेक्टेड होती है, कई बार बहुत अधिक कमी के कारण न्यूट्रिशंस की काफ़ी कमी के कारण शारीरिक वृद्धि रुक भी जाती है। जब शारीरिक वृद्धि की गति तीव्र होती है तब जो एनर्जी होती है एनर्जी लेवल जो होता है और सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर हम कहें कि यदि मान लीजिए अगर उनकी बढ़ी हुई डिमांड्स को हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और वह कमी लंबे समय तक अगर इसी प्रकार वो बच्चे के आहार में बनी रहती है तो बच्चा उन न्यूट्रिएंट्स के से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे कि यदि प्रोटीन की कमी उसके आहार में निरंतर बनी रहती है तो बालक की कोशिकाएं उनका वृद्धि विकास जो है शरीर का वह रुक जाता है। बालक में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से संबंधित बीमारियां जैसे कि क्वाशियोरकोर मरास्मस आदि हो जाती हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के निर्माण का कार्य करता है, और यदि निरंतर प्रोटीन की कमी रहती है तो जो बॉडी का डेवलपमेंट है बॉडी का जो निर्माण की प्रक्रिया है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है और बालक का शारीरिक वृद्धि और विकास रुक जाता है। इसी प्रकार यदि कैल्शियम और फॉस्फोरस की बात करें तो उसकी कमी होने पर अस्थियां दांतों का विकास रुक जाता है, दांतों की बनावट प्रॉपरली नहीं हो पाती है, इसकी रचना बिगड़ जाती है, समय पर दांत नहीं निकल पाते हैं, दांतों का जो निकलने का उनके पश्चात की जो संरचना होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, जिसके बाद दांत वापस टूट कर गिर जाते हैं। इसी प्रकार यदि कैलोरी की कमी रहती है तो बालक में थकान का अनुभव ज़्यादा होता है, वो थका थका सा महसूस करता है, जिसके कारण किसी भी कार्य करने की उसकी इच्छा नहीं होती है, वह उदास निराश रहता है चिड़चिड़ा हो जाता है। विटामिन ए की कमी यदि हुई
तो रतन भी रोग हो जाएगा, वाइटामिन बी की कमी होगी बहुत अधिक तो बैरी बैरी रोग हो जाता है, यदि वाइटामिन सी की बहुत अधिक कमी आती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, वाइटामिन डी की यदि बहुत अधिक कमी होती है तो रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिशनल डिजीजेज है, जिस भी न्यूट्रिएंट्स का की कमी निरंतर लंबे समय तक बालक में बनी रहती है तो उससे संबंधित रोग उसको हो सकता है और उससे संबंधित उसका शारीरिक विकास और वृद्धि जो है वो प्रभावित होती है। पोषणीय आवश्यकता का प्रभाव केवल हम ये नहीं कहते कि शरीर पर ही पड़ता है, शरीर के वृद्धि विकास पर ही पड़ता है, बल्कि सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, हमने इन सभी विकास पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि हमने कहा है कि ये जितने भी विकास होते हैं बालक के वो सब आपस में कोरिलेटेड होते हैं, एक डेवलपमेंट यदि फैक्टेड होगा तो उसका प्रभाव अन्य डेवलपमेंट्स पर भी स्पष्ट दिखाई देगा। बालक में अनेक लक्षण उत्पन्न होते हैं जिनकी तरह जैसे कि बालक अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हो जाएगा, खेल में जो उसकी जो सहभागिता होनी चाहिए वो कम हो जाएगी, वो अपने दोस्तों के साथ, आस पड़ोसी के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ, भाई बहनों के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस होने लगेगी, पढ़ाई में रुचि कम हो जाएगी उसकी, ऐसे कई सारे लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड इफेक्ट है होमियोस्टेसिस बनाए रखना। होमियोस्टेसिस यानी कि बाह्य वातावरण के साथ, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की पूर्ति के से संबंधित शारीरिक समायोजन, हम यूँ कह सकते हैं इस तरह के इसे कि जो बाह्य वातावरण होता है उसमें काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं समय समय के साथ, हर पल काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, बच्चों को काफ़ी चैलेंजेस मिलते हैं बाह्य वातावरण के साथ समायोजित होने में, तो उनके कारण उसकी बॉडी के जो बॉडी है उसका उसके साथ जो समायोजन होता है उसे हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। शारीरिक वृद्धि की गति मंद होने पर शरीर जो होता है वो स्वतः ही अपना होमियोस्टेसिस बनाए रखता है, लेकिन शारीरिक वृद्धि की गति यदि बहुत तीव्र होती है तो उस स्थिति में होमियोस्टेसिस असंतुलित हो जाता है और जिसके कारण जिसका परिणाम स्वरूप बालक थका हुआ, क्रोधी, उसमें नकारात्मक थिंकिंग, नकारात्मक संवेगों का उद्वेग ज़्यादा होने लगता है, बालक का समायोजन जो है समाज के साथ वह भी गड़बड़ हो जाता है, असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है बालक, अकुशलता, फूहड़पन आदि उसमें व्यवहार में प्रदर्शित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो समायोजन है वो होमियोस्टेसिस जो है वो प्रभावित हो चुका है। नेक्स्ट होता है समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ। समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ तो उसमें हम जनरली हम देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर बालक को विभिन्न अवस्थाओं में निरंतर कई प्रकार के समायोजन उसे निरंतर करने पड़ते हैं और ऐसे में वो अपने आप को यदि असमर्थ महसूस करता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होने लग जाता है और उसका प्रभाव उसके व्यवहार पर नकारात्मकता के रूप में हमें देखने को मिलता है। लास्ट है अकुशलता। शारीरिक वृद्धि की तीव्र गति के कारण बालक में अकुशलता और फूहड़पन आ जाता है, ऐसा और सामान्यतः नाड़ी तंत्रिकाओं के अपरिपक्वता के कारण होता है। जैसे जैसे बालक की नाड़ी तंत्रिकाओं में विकास होता है, परिपक्वता आती जाती है, मांसपेशियां विकसित होती हैं और मांसपेशियां जैसे जैसे विकसित होती हैं उसमें कोशिकाओं को सीखने के लिए और उसे जैसे जैसे अवसर प्राप्त होते हैं वह बाह्य वातावरण और परिस्थितियों के साथ समायोजन अच्छे से करने लग जाता है और जैसे जैसे उसका समायोजन होता है उसकी जो व्यवहार में कुशलता और नकारात्मकता आ रही होती है वह सारी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन इसके विपरीत यदि उसके समायोजन में कोई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, उसे कौशलों को सीखने में दिक्कत आती है या उसे अवसर समय प्राप्त नहीं हो पाते हैं सकारात्मक अवसर, तो कहीं ना कहीं ये अकुशलता जो फूहड़पन है वो लंबे समय तक प्रदर्शित करता है। लेकिन इस अवस्था में किशोरा अवस्था की जो अवस्था होती है उसमें जो शारीरिक वृद्धि काफ़ी तीव्र गति से होती है और तो इस अवस्था में सामान्यतः बालकों के व्यवहार में यह अकुशलता और फूहड़पन अक्सर देखा जाता है।
तो ये पूरा एक साइकिल है हमारा विकास का, जिसके तहत शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, इसे ही वृद्धि चक्र कहा गया है। और हमने देखा है कि इन हम देख रहे हैं और हम अभी जो कर रहे हैं उसे हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष का निकाल सकते हैं कि जो वृद्धि साइकिल है इसका शारीरिक विकास पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसी के हिसाब से हमारा शारीरिक विकास समायोजित होता है, संतुलित होता है और निश्चित क्रम में और एक निश्चित पैटर्न के अनुरूप चलता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम